हर जस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं हिमानी फटाफट खबरों के थोड़ा सारिया का स्वागत करती हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वफद ने नवी दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात। यह वफद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई हेठ मिलिया। इस दौरान श्रोमणी कमेटी वफद ने गृह मंत्री नाल गुरुद्वारे के प्रबंधक से अहम मामले पर विचार की। उड़ीसा के बलासोर जिले च तीन रेलों के आपस टकराने नाल मारे गए लोगों की गिनती बढ़ के 288 हो गई है। देश के सब तो भयानक हादसों में शुमार एक हादसे के करीब 1100 व्यक्ति जख्मी हुए हैं। भारतीय रेल हादसे के कारणों का पता लाने उच्च पदरी जांच की गई है। मनिया जा रहा है कि सिग्नल तोड़न मगर गलत ली ते पैण कारण यह हादसा वापरिया। राज्यसभा मैंबर कपिल सिंबल ने महिला पहलवान वालों भारतीय कुश्ती संघ के मुखी लाए गए शारीरिक शोषण के दोषों बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ताधारी भाजपा के खामोशी से सवाल खड़े किए हैं। जिक्र योग है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करने की मांग जोर फड़ती जा रही है और बतौर सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल ने सुप्रीम कोर्ट में पहलवाना के केस की पैरवी की है। उन्होंने सोशल मीडिया से अज सुनेहा दिता कि सबूतों और लोगों के रोष के बावजूद ब्रिजभूषण गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री खामोश हैं, भाजपा के संघ भी खामोश हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के नारे सबका खास सबका विकास सबका विश्वास से तंज कसदिया कहा कि सबका खास सबका साथ नहीं ब्रिजभूषण का साथ। गर्मी दी छुट्टियां दे सीजन विच रेलवे विभाग अमृतसर ने जरनैल अते अजमेर तो दरभंगा लई दो स्पैशल हाफड़ा गर्मी दी छुट्टियां दे सीजन विच रेलवे विभाग ने अमृतसर तो जरनैल अते अजमेर तो दरभंगा लई दो स्पैशल हफ्तावारी रेलगड्डी चलाउण दा जारी कीता है। विभाग वल्लों जारी सूचना अनुसार अमृतसर तो जरनैल विच आले 9 जून तक, अजमेर तो दरभंगा विच आले 7 तो 28 जून तक स्पैशल रेलगड्डियां चलन जा रही हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया सूबे के सैनेट ने सिखा के मोटरसाइकिल चलाने समय सुरक्षा हैलमेट पाने तो छूट देने वाले बिल के हक में मतदान दिता। सैनेटर ब्राइडन डालो वालों लिया गए बिल 847 इस हफ्ते 21-8 वोटों नाल सैनेट ने मंजूरी दी। हुण इस बिल सूबाई असैंबली विच पेश किया जाएगा। यूरोप की पुलाड संस्था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बीते शुक्रवार को पहली बार मंगल ग्रह से लाइव स्ट्रीमिंग की थी। इस स्ट्रीमिंग नाल लोगों को पहली बार लाल ग्रह के नेड़े देखने मौका मिलया। इन तस्वीरों ने ESA ने इंटरनेट के मीडिया से साझा किया। शुक्रवार देर रात तस्वीर में मंगल ग्रह के सीधे धरती तक पहुँचाने लगभग 18 मिनटों का समा लगा। हाल ही में प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर बारे जानकारी सामने आई थी कि कंपनी के ट्रस्ट और सुरक्षा के मुखी एला इरविन ने ट्विटर तो अस्तीफा दे दिया है। इस एपीसोड में एक नवा अपडेट सामने आया है। एला इरविन के अस्तीफे के कुछ घंटिया बाद प्लेटफॉर्म के ब्रांड सुरक्षा और विज्ञापन गुणवत्ता के मुखी की रवानगी सामने आई है। देश की सब तो वड्डी बीमा कंपनी LIC ने उड़ीसा रेल हादसे के पीड़ितों के क्लेम सैटलमेंट प्रक्रिया को सरल बना दिता है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती वालों जारी बयान विच हादसे के पीड़ितों लई कई छूटों का ऐलान किया गया है। LIC वालों जारी एक बयान विच कहा गया है कि यह छूट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाल नाल LIC के बीमा धारकों लई है। अगे दसिया गया है कि पॉलिसी का दावा करने लई रेलवे पुलिस अते केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किए गए मृतकों की सूची नू मौत सर्टिफिकेट मनिया जाएगा। इस नाल हादसे के पीड़ितों नू राहत मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली च 28 मई नू होए साक्षी दे सनसनी कतल ने पूरे देश नू हिला के रख दिता। दोषी साहिल ने साक्षी का कतल करते हुए वहशीपुणे दी सारियां हद्दां पार कर दित्तियां, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई सी। हालांकि पुलिस ने कुछ समय बाद दोषी साहिल नू बुलंदशहर तो गिरफ्तार कर लिया। उस तो बाद देश के वक् वक् कोनिया तो लोगों ने सहारनपुर के DM नू मांग पत्र लिखिया, जिस विच जल्द तो जल्द फांसी देने की मांग की है। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਰਜਸ TV ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਥਾਂ।